नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और आप देख रहे हैं श्रेयस इंफोटेक टेक चैनल। तो दोस्तों, पिछले दो दिनों से पीएफ में एक नया एरर मैसेज आ रहा है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये मैसेज एक्चुअली तब आ रहा है जब हम पीएफ के यूएन ऑनलाइन पोर्टल पे ऑनलाइन क्लेम के लिए आधार ओटीपी को भिजाने लगते हैं। फिर जब मैं ग्रीवियंस पे इनसे बात किया तो इनका आंसर है, जब हम ओटीपी के लिए ट्राई करते हैं तो पीएफ और आधार के बीच में जब लिंक डिस्कनेक्ट हो जाता है तब हमें ये दिक्कत आने लगती है, मगर ये सिर्फ टेम्पररी है, कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिक सेंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको इस एरर के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका परफेक्ट सॉल्यूशन मेरे पास है, वो मैं आपको लाइव में बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जैसे ही हम लॉगिन होते हैं, फिर यहाँ क्लेम पे जाके पूरा अपनी डिटेल्स भर के जब आधार ओटीपी पे आके तो देखे मैसेज आ गया। अब यहाँ पर हमें बैक नहीं जाना है, बस उसी गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करते रहना है और ये तब तक करना है जब तक ओटीपी सेंड नहीं हो जाता। तो दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं जब तीन बार ट्राई कर चुका हूं तो वो फेल हो गया, मगर फोर्थ टाइम ये सक्सेस हुआ है। अब अपना 6 अंकों का ओटीपी डाल के क्लेम कर सकते हैं। पीएफ में आपको जहां भी ऐसा मैसेज आए तो आप सिर्फ ट्राई करते रहना ताकि ये कंफर्म हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।